हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्या स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रसायन क्लासेस में। आज के वीडियो हम डिस्कस करेंगे सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के बारे में कि सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक एक पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड जो पार्ट्स हैं वो उनका यूज करने का पर्पज़ क्या है, क्यों यूज करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिस हीट एक्सचेंजर पर, जिसमें मैं आपको बताया था कि हीट एक्सचेंजर क्या होता है एंड हीट एक्सचेंजर यूज करने का पर्पज़ क्या है, यानी कि हीट एक्सचेंजर क्यों यूज करते हैं एंड हीट एक्सचेंजर कहाँ पर यूज करते हैं एंड हीट एक्सचेंजर कितने टाइप्स के होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं जो हीट एक्सचेंजर का जो बेसिक है उसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको जो हीट एक्सचेंजर का जो बेसिक है वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो उस वीडियो में आपको डिस्कस किया था हीट एक्सचेंजर के टाइप्स के बारे में, तो उनमें जितने भी टाइप्स के बारे में डिस्कस किए थे उनमें सभी को, मतलब जो भी टाइप्स थे सभी हीट एक्सचेंजर के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उनमें से एक टाइप जो है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। तो इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग या इसके पार्ट्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर होता है इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, रिफाइनरीज होती हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, यहाँ पर जब हमें लार्ज अमाउंट में हीट ट्रांसफ़र की रिक्वायरमेंट होती है, या तो आप बोल सकते हैं लार्ज हीट ट्रांसफ़र सरफेस की रिक्वायरमेंट जहाँ होती है वहाँ पर सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का यूज किया जाता है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। पहले इसके पार्ट्स के बारे में ही देख लेते हैं, उसके बाद आगे इसकी देखिए लास्ट में मैं इसके टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा। सेल एंड ट्यूब टाइप, जो सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर होते हैं इनके भी टाइप्स होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो थोड़ा वीडियो लंबी होगी, तो आप पेशेंस बनाए रखिएगा, आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो पहले इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। तो देखिएगा इसके नाम में ही देखिए, इसका नाम जो है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, तो यहीं पे हमें आपको दो पार्ट्स इसके यहीं पे मिल रहे हैं। कौन कौन से, एक सेल मिल रहा है, एक ट्यूब मिल रहा है। तो फर्स्ट नंबर पे हम सेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, सेल क्या होता है, ठीक है। सब फर्स्ट नंबर पे डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। तो देखिएगा सेल क्या होता है, सेल बेसिकली एक सिलिंड्रिकल केसिंग होता है। सिलिंड्रिकल क्या होता है, केसिंग हो सकता है, आप बोल सकते हैं एक सिलिंड्रिकल सेल ही होता है ये, जिसकी जो एमओसी होती है, यानी कि जो उसका जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होता है जिससे वो बना रहता है सेल, वो कॉमनली कार्बन स्टील होता है। कॉमनली क्या होता है, वो कार्बन स्टील से बना रहता है, जिसकी डायमीटर जो होती है वो अप टू 60 सेंटीमीटर, यानी कि जो स्टैंडर्ड डायमीटर जो होता है हीट एक्सचेंजर का, उसकी डायमीटर, इसकी सेल के डायमीटर का, वो अप टू 60 सेंटीमीटर का होता है, अप टू 60 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। एंड जो सेल की थिकनेस होती है, यदि वो सेल का एमओसी कार्बन स्टील है, तो उस केस में हम बता रहे हैं, यदि सेल का एमओसी जो है कार्बन स्टील में है, तो उसका जो स्टैंडर्ड थिकनेस होता है वो 5 mm से लेके 11 mm तक की होती है, 5 mm से लेके 11 mm तक की उसकी थिकनेस होती है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये जो सेल होते हैं इनकी जो एमओसी हो वो हमेशा कार्बन स्टील ही हो, वो डिपेंड करता है मटेरियल पे, किस टाइप का मटेरियल हमें यूज करना है। जैसे मान लीजिए कहीं पे हमें एसिडिक मटेरियल को कूल करना है, उसको हीट एक्सचेंजर में यूज करना है, तो वहाँ पे तो हम ये कार्बन स्टील नहीं यूज कर सकते ना, क्योंकि वो एसिडिक मटेरियल क्या होता है, वो करोजी होता है, तो वो करोजन से क्या करेगा, इस कार्बन स्टील को डैमेज कर देगा। तो उस केस पे हम वहाँ ग्लास यूज कर लेते हैं, या अलग टाइप का हीट एक्सचेंजर आता है, ग्रेफाइट टाइप हीट एक्सचेंजर, ग्रेफाइट का हीट एक्सचेंजर, वो आगे हम बताएंगे। तो वो डिपेंड करता है मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकतर होता है, जो मोस्टली मतलब अधिकांश जो यूज होता है वो क्या होता है, कार्बन स्टील ही होता है, इसलिए कार्बन स्टील हम आपको बताएं, कॉमनली कार्बन स्टील का इसका एमओसी होता है, ठीक है। इतना क्लियर है सेल के बारे में। आगे बात करते हैं ट्यूब के बारे में कि ट्यूब्स क्या होती हैं। तो देखिएगा इस फिगर में आप देख रहे होंगे जो ब्लू कलर से हम शो किए हुए हैं, ये जो ब्लू कलर से शो किए हैं ये ट्यूब्स हैं, इसमें बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, इन बहुत सारी ट्यूब्स का एक बंडल बनाया जाता है, ठीक है। ये जो ट्यूब्स होती हैं एक होलो पाइप ही होती है मान लीजिए, ठीक है, जो जिनको क्या किया जाता है, बहुत सारी ट्यूब्स को एक ट्यूब बंडल बना के इस सेल के अंदर फिट किया जाता है, यानी कि इंस्टॉल किया जाता है। अब देखिएगा, अब ये जो पहले ट्यूब्स के बारे में और भी देख लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं इसका ट्यूब बंडल कैसे बनता है। तो देखिए जो ट्यूब्स होती हैं, इन ट्यूब्स का जो आउटर डायमीटर जो होता है, आउटर डायमीटर वो क्या होता है, 6 mm से लेके, इन ट्यूब्स का जो आउटर डायमीटर होता है वो 6 mm से लेके 40 mm तक की होती है। आउटर डायमीटर क्या होती है, 6 mm से लेके 40 mm तक की होती है। एंड इनकी जो लेंथ होती है, ट्यूब की जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है, वो 0.5 मीटर से लेके 0.5 सेंटीमीटर होता है,
ठीक है, सॉरी मीटर ही होता है, 0.5 मीटर से लेके ये क्या होता है 6 मीटर तक होता है, ठीक है, 0.5 मीटर से लेके 6 मीटर तक का होता है, ठीक है, इसके ट्यूब्स का लेंथ इतना क्लियर है। अब देखिएगा ये जो ट्यूब्स होते हैं इनको बंडल कैसे बनाया जाता है इन ट्यूब्स का, तो इन ट्यूब्स का बंडल बनाने के लिए ट्यूब सीट का हेल्प लिया जाता है, या बोल सकते हैं ट्यूब सीट का यूज किया जाता है। अब ये इसका थर्ड पार्ट जो क्या है, दो पार्ट तो आपको बता दिया मैं, पहला क्या सेल बता दिया, दूसरा ट्यूब बता दिया, अब तीसरा पार्ट क्या है, ट्यूब सीट है, तीसरा पार्ट क्या है ट्यूब सीट, जिसकी हेल्प से हम ट्यूब बंडल बनाते हैं। कैसे बनता है, तो ये जो ट्यूब सीट होती हैं कॉमनली एक सीट ही होता है, एक मेटल की सीट ही होती हैं, उनमें क्या होता है इन ट्यूब्स को, बहुत सारी ट्यूब्स को क्या किया जाता है, या तो रोल्ड किया जाता है, या तो उनमें क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए ये ट्यूब सीट है ऐसे, और उसमें क्या जाता है बहुत सारी ट्यूब्स को ऐसे रोल्ड करके, मतलब उसमें ऐसे केवल फंसा दिया जाता है, या तो उनको बेल्डेड कर दिया जाता है, या तो उनको बेल्डेड कर दिया जाता है, ठीक है, उनको बेल्डेड करके इस ट्यूब सीट में दोनों साइड से ट्यूब सीट बना के एक ट्यूब बंडल बन जाता है, ठीक है, उस ट्यूब बंडल को क्या किया जाता है इस सेल के अंदर फिट किया जाता है, ठीक है, इस सेल के अंदर ट्यूब बंडल फिट रहता है। इतना क्लियर है, ट्यूब बंडल आप समझ गए, ट्यूब सीट समझ गए, ठीक है, ट्यूब समझ गए और सेल समझ गए। अब तीसरा चीज़ देखिए, अब इसमें क्या चीज़ और देखिए कि ये जो ट्यूब होती हैं इन ट्यूब्स का अरेंजमेंट क्या होता है, तो जो ट्यूब्स का अरेंजमेंट होता है वो मेनली ट्यूब टाइप से होता है, एक स्क्वायर टाइप होता है, एक ट्रायंगुलर टाइप होता है, एक स्क्वायर टाइप एक ट्रायंगुलर टाइप, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब इसको समझने के लिए आपको पहले ट्यूब पिच समझना पड़ेगा कि ट्यूब पिच क्या होता है, ठीक है, इसको समझने के लिए आपको ट्यूब पिच समझना होगा कि ट्यूब पिच क्या होता है, देख लेते हैं ट्यूब पिच क्या होता है। तो देखिएगा, देखेंगे ट्यूब पिच, क्या देखेंगे ट्यूब पिच, ये बहुत जरूरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इससे क्वेश्चन भी आते हैं ट्यूब पिच से। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं ट्यूब पिच क्या होता है। ट्यूब पिच तो दो एडजेसेंट ट्यूब के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी कि दो नज़दीकी ट्यूब्स के बीच के, दो नज़दीकी ट्यूब्स के सेंटर टू सेंटर के बीच की दूरी जो होती है, बीच के डिस्टेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं ट्यूब पिच। जैसे मान लीजिए ट्यूब्स लगी हुई हैं, जैसे ट्यूब्स लगी हैं, तो ये दो ट्यूब हैं इनके सेंटर, इनका जो सेंटर होगा, इनके सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होता है ट्यूब पिच कहलाता है, वो क्या होता है ट्यूब पिच। अब यहीं पर एक चीज़ और समझ लीजिए, क्लियरेंस क्या होता है, क्लियरेंस क्या होता है, क्लियरेंस, अब ये क्लियरेंस क्या होता है, तो देखिएगा जो दो एडजेसेंट ट्यूब के सरफेस से सरफेस बीच की दूरी, यानी कि दो नज़दीकी ट्यूब्स के सरफेस, या जैसे आपके अभी क्या हम बताए थे ट्यूब के सेंटर से सेंटर, सेंटर से सेंटर लेंगे तो क्या सेंटर से सेंटर बीच की दूरी होगी तो वो ट्यूब पिच कहलाएगा, लेकिन इन इस ट्यूब्स के सेंटर यानी कि इस सॉरी सरफेस यानी कि आउटर सरफेस और इस ट्यूब का आउटर सरफेस, इनके बीच की जो दूरी होगी उनको क्या बोलेंगे क्लियरेंस बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं क्लियरेंस बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है ट्यूब पिच और क्लियरेंस। अब इसमें और देखिए, ये जो ट्यूब पिच होते हैं ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के, मेनली टू टाइप्स के, कौन कौन से टाइप्स होती हैं, पहला जो टाइप होता है वो स्क्वायर पिच होता है, स्क्वायर पिच होता है, स्क्वायर पिच, एंड सेकेंड जो टाइप इसका होता है वो क्या होता है ट्रायंगुलर पिच होता है, ट्रायंगुलर पिच होता है, ठीक है, ये दोनों अच्छे से समझिएगा, स्क्वायर पिच और ट्रायंगुलर पिच, ठीक है। अब स्क्वायर पिच क्या होता है और ट्रायंगुलर पिच क्या होता है वो समझते हैं। अब देखिए स्क्वायर पिच में क्या होता है, जो ट्यूब्स होती हैं इनका जो अरेंजमेंट होता है वो स्क्वायर के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए इसको मान लीजिए, जैसे मान लीजिए एक ट्यूब ये है, एक ट्यूब ये है, एक ट्यूब ये है, एक ट्यूब ये है, ठीक है, ये क्या है स्क्वायर पिच है, ठीक है। अब ट्रायंगुलर पिच में क्या होता है, जैसे एक ट्यूब यहाँ पर रहेगा, एक ट्यूब यहाँ पर रहेगा, एक ट्यूब यहाँ पर रहेगा, स्क्वायर ट्रायंगुलर पिच में ऐसा रहेगा। जैसे मान लीजिए एक डायमीटर है, आपको गिवन डायमीटर, मान लीजिए ये डायमीटर है, ये सेल का डायमीटर है, ठीक है, उनमें जो ट्यूब्स लगी हुई हैं स्क्वायर के रूप में लगी हुई हैं, ये क्या है स्क्वायर के रूप में लगी हुई हैं, और दूसरा ट्रायंगुलर है जिनमें क्या लगा हुआ है ट्यूब जो लगी हुई हैं ट्रायंगल के रूप में लगी हुई हैं, तो ये ट्रायंगुलर पिच कहलाएगा और ये स्क्वायर पिच कहलाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इनमें जो ये जो आपको बताया था मैं ट्यूब पिच और क्लियरेंस, इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए चार ट्यूब हैं तो इनके सेंटर से सेंटर के बीच की जो दूरी होगी, इनके सेंटर से सेंटर के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी ट्यूब पिच होगा, और इनका जो सरफेस से सरफेस के बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी क्लियरेंस होगी। इतना क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, स्क्वायर पिच और ट्यूब पिच में डिफरेंस क्या होता है।
तो इसका सबसे फर्स्ट नंबर का डिफरेंस हम ये देखते हैं कि जो स्क्वायर पिच होते हैं इनमें जो गिवन एरिया गिवन डायमीटर है, जैसे सपोज दैट कोई हीट एक्सचेंजर है जिनके सेल का जो डायमीटर है वो मान लीजिए 40 सेंटीमीटर का डायमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर डायमीटर में यदि हम स्क्वायर पिच के रूप में यानी कि जो ट्यूब्स का अरेंजमेंट है वो स्क्वायर टाइप में करें और एक जगह पे ट्रायंगुलर टाइप में करें सेम डायमीटर में, सेम गिवन डायमीटर में अगर हम दोनों टाइप्स का अरेंजमेंट करें तो ये जो ट्रायंगुलर पिच होगा इनके कंपैरिजन में ये जो स्क्वायर पिच होगा इनमें जो नंबर ऑफ ट्यूब्स होंगे वो कम आएंगे, मतलब नंबर ऑफ ट्यूब्स की मतलब ट्यूब्स की जो संख्या होंगी यानी कि जो ट्यूब हम इंस्टॉल करेंगे इसमें जो अरेंजमेंट करेंगे तो उसमें कम ट्यूब आएगा उतने ही एरिया में, और इसमें क्या होगा उतने ही एरिया में जब ट्रायंगुलर टाइप में करेंगे तो इसमें ज़्यादा ट्यूब आएगा, ठीक है। तो ये इसका एक डिफरेंस हो गया, ठीक है। ज़्यादा ट्यूब होगा तो ज़्यादा हीट ट्रांसफर एरिया बढ़ेगी, आपकी हीट ट्रांसफर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। वो अभी आगे बढ़ रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि इसमें गिवन एरिया में स्क्वायर पिच में अगर स्क्वायर टाइप में अगर हम ट्यूब्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ट्यूब्स कम आएंगे, और ट्रायंगुलर टाइप में अगर कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ट्यूब ज़्यादा आएंगे, ठीक है, इतना क्लियर। सेकेंड पॉइंट इसका क्या होगा कि जो स्क्वायर पिच होता है इसमें जो ये जो ट्यूब्स होती हैं इनके आउटर क्लीनिंग जो होती है आउटर सरफेस की क्लीनिंग जो होगी वो इजी होती है। जैसे मान लीजिए ये ट्यूब्स हैं तो इनके आउटर सरफेस की क्लीनिंग करनी है, ठीक है। तो आउटर सरफेस की क्लीनिंग करने मान लीजिए हाइड्रोजेट इधर से मारें तो इधर पूरा क्लीन हो जाएगा, लेकिन इसमें मारेंगे तो जाके इसमें टकराएगा, इधर बहेगा, इधर जाएगा, तो इसमें जो क्लीनिंग होती है कंपैरिजन टू स्क्वायर पिच वो टफ होती है, और स्क्वायर पिच में क्या होती है कंपैरिजन टू ट्रायंगुलर पिच इसमें जो क्लीनिंग होती है वो ईजी होती है। किसका? ट्यूब के आउटर सरफेस का, ये ध्यान रखिएगा, ट्यूब के इनर सरफेस का दोनों सेम रहेगा क्योंकि ट्यूब में अंदर हाइड्रोजेट डालें या तो उसमें कोई फ्लूड डालें वो डिपेंड करता है, लेकिन अधिकतर हाइड्रोजेट से ही करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजेट ही होता है, हाइड्रोजेट से ही करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजेट क्या होता है, बेसिकली एक पाइप होती है जिसको क्या किया जाता है ट्यूब्स के अंदर डाला जाता है, उसमें वाटर का प्रेशर रहता है जिससे पूरा ट्यूब क्लियर हो जाता है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं, इतना समझ गए कि इसमें क्लीनिंग क्या होगा, इसमें ईजी होगा स्क्वायर पिच में, ट्रायंगुलर पिच में थोड़ा टफ होगा इसके कंपेरिजन में। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, अब देखिए स्क्वायर पिच में जो होगा सेल साइड में जो फ्लूड होगा, जैसे मान लीजिए सेल साइड, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके देख लीजिए, ये जो ये हीट एक्सचेंजर का हल्का सा हम वर्किंग आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको पार्ट्स के बारे में रोकेंगे, पहले हीट एक्सचेंजर की थोड़ी सी वर्किंग बता देंगे। अब इसमें देखिएगा ये जो सेल है, सेल में जो सेल साइड जो फ्लूड होता है वो उसमें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम टॉप से डालें, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि कौन से फ्लूड को हम टॉप से डालते हैं, कौन से फ्लूड को हम बॉटम से डाल इनलेट कराते हैं, तो वो डिपेंड करता है फ्लूड पे। जैसे फ्लूड यदि हॉट फ्लूड है यानी कि जिसको हमें ठंडा करना है, यानी कि जो हॉट फ्लूड होगा वो हमेशा हीट एक्सचेंजर में टॉप से इंटर करेगा, चाहे वो सेल साइड में इंटर करे चाहे वो ट्यूब साइड में इंटर करे। ये क्या है, ट्यूब साइड है, यानी कि जो चैम्बर है इसमें ट्यूब साइड इंट्री है और ये सेल साइड है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये मत आप ध्यान रखिएगा कि जो ट्यूब साइड होता है वो नीचे से होता है, सेल साइड टॉप से होता है, तो ये कन्फ्यूजन मत आप पालिएगा। ये डिपेंड करता है फ्लूड पे, जिस फ्लूड को हमें ठंडा करना रहता है यानी कि हॉट फ्लूड को हमेशा टॉप से डालते हैं हीट एक्सचेंजर में, हमेशा टॉप से एंट्री कराएंगे चाहे वो सेल साइड में जाए चाहे वो ट्यूब साइड में जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो हम ट्यूब सेल साइड में डाल रहे हैं, कोई ऐसा फ्लूड है जिसको हमें ट्यूब में फ्लो कराना है लेकिन उसको ही कूल करना है, वही हॉट फ्लूड है, तो उसको हम ट्यूब साइड में भी डालेंगे तो टॉप से ही एंट्री कराएंगे, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हमेशा हॉट फ्लूड को क्या करते हैं टॉप से एंट्री कराते हैं, कोल्ड फ्लूड यानी कि यूटिलिटी को हमेशा बॉटम से एंट्री कराते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। तो जो इसमें देखिए अब यहाँ पे थोड़ा आ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, किसकी बात चल रही थी, इसकी सेल साइड फ्लूड की। तो जो स्क्वायर पिच होता है इनमें जो सेल साइड फ्लूड होता है यानी कि जो सेल के अंदर फ्लूड इंटर करेगा, सेल के अंदर उसमें जो टर्बुलेंस होगा ना वो अगर स्क्वायर टाइप में है तो उसमें कम होगा। क्यों कम होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप फ्लूड डालें इसको, तो जैसे मान लीजिए ऐसे पाइप है, ऐसे ट्यूब्स हैं, तो बीच से क्या होगा सीधे नीचे आएगा, वो क्या होगा सीधे नीचे आएगा, ठीक है, वो सीधे नीचे आएगा। लेकिन अब यही चीज़ आप देखिएगा ट्रायंगुलर पिच में ऐसा नहीं होता है, उसमें क्या होगा जैसे मान लीजिए आप नीचे से डालें, जैसे मान लीजिए ऊपर से डालें, अब यहाँ पे हम ट्यूब बना, यहाँ पे भी हम ट्यूब्स बना दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, या दूसरा फिगर बना दे रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं थोड़ा अच्छा दिखेगा।
बात क्या चल रही थी, स्क्वायर पिच जो होता है इसमें जो फ्लूड होगा उसका टर्बुलेंस कम होगा और उसकी जो वेलोसिटी ड्रॉप होगी वो भी कम होगी, क्योंकि स्क्वायर पिच है जो भी सेल साइड में फ्लूड आएगा वो सीधा सीधा नीचे आ जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा क्या होगा, नीचे आ जाएगा, या तो नीचे से अगर करा रहे हैं तो सीधा सीधा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ट्रायंगुलर पिच होगा, ट्रायंगुलर पिच में थोड़ा डिफरेंट होगा। ट्रायंगुलर पिच में क्या डिफरेंट होगा, तो जैसे मान लीजिए एक और बनाए यहीं पे फिगर, अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक ट्यूब है, यहाँ ट्यूब है, यहाँ ट्यूब है, फिर यहाँ पे ट्यूब है, फिर यहाँ पे ट्यूब है, फिर यहाँ पे ट्यूब है, ठीक है। ये क्या है, ट्रायंगुलर है, समझ में आ रहा है ना। ऐसे देखिए ट्रायंगुलर बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर टाइप में अरेंजमेंट है। तो जब आप स्क्वायर में डालें तो सीधा से सीधा नीचे आ गया, लेकिन जब ट्रायंगुलर में आप डालेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे आप लिक्विड डालें, यहाँ पे आप यूटिलिटी डालें, तो इस वाले ट्यूब से आके टकराएगा और जब टकराएगा तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इधर भी जाएगा, देखिए इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। या तो अगर दूसरे वे में आपको समझना है तो जैसे मान लीजिए ये ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब्स हैं एक पाइप में, अब यहाँ से आप यूटिलिटी फ्लो कराएं, तो अब ये जो यूटिलिटी फ्लो कराएंगे जब इस ट्यूब्स पे जाएगी तो यहाँ से ये क्या होगी, ये जो सेल साइड फ्लूड जो होगा ट्यूब्स पे आएगा तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ट्यूब होगा, यहाँ पे भी ट्यूब है, यहाँ पे फिर इससे टकराएगा तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। तो इससे क्या होता है, इससे ये क्लियर आपका हो रहा है कि जो ट्रायंगुलर पिच होता है, यानी कि ट्रायंगुलर टाइप में अगर ट्यूब्स का अरेंजमेंट किए हुए हैं तो उसमें क्या होगा, जो सेल साइड फ्लूड होगा उसमें टर्बुलेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसमें टर्बुलेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, एंड वेलोसिटी ड्रॉप भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिसके कारण क्या है, टर्बुलेंस ज़्यादा होने के कारण ये जो ट्रायंगुलर पिच होती है इसमें हीट ट्रांसफर रेट जो होता है वो इंक्रीज होता है, यानी कि इसमें हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा होता है, इसमें हीट ट्रांसफर रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और स्क्वायर पिच में क्या होता है, हीट ट्रांसफर रेट क्या होता है, हीट ट्रांसफर रेट कम होता है कंपैरिजन टू ट्रायंगुलर पिच। क्यों कम होता है स्क्वायर पिच में, क्योंकि इसमें जो सेल साइड फ्लूड होता है उसमें टर्बुलेंस नहीं ज़्यादा होता है एंड उसमें वेलोसिटी ड्रॉप भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ट्रायंगुलर पिच में क्या होता है कि इसमें जो सेल साइड फ्लूड होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टर्बुलेंस होता है, इसलिए इसमें हीट ट्रांसफर रेट बढ़ता है। क्यों टर्बुलेंस से बढ़ता है, तो आप समझ ही रहे होंगे, जो लैमिनार फ्लो होता है उसमें हीट ट्रांसफर कम होता है एंड टर्बुलेंस में ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कॉन्टैक्ट जो होता है एक एक पार्टिकल से अच्छे से होते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि उसमें कन्वेक्शन, यहाँ पे आपका कन्वेक्शन भी काम कर रहा है, रेडियस होता है ना हीट ट्रांसफर का मोड, तो यहाँ पे कन्वेक्शन बराबर होता है टर्बुलेंट में हमेशा, ठीक है। तो वो चीज़ क्लियर हो गया, इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा अगर इस टॉपिक पे अगर हम घुसे टर्बुलेंट और लेमिनार पे, ठीक है। तो आप समझ तो रहेंगे, इतना तो समझ रहे होंगे कि लेमिनार में हीट ट्रांसफर कम होती है, टर्बुलेंस में ज़्यादा होती है। तो ट्रायंगुलर पिच में क्या होता है, ज़्यादा टर्बुलेंस जनरेट होता है सेल साइड फ्लूड में, इसलिए इसमें हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें ज़्यादा हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो स्क्वायर पिच होता है, स्क्वायर पिच में देखिएगा कि अगर जो फ्लूड सेल साइड फ्लूड है वो ज़्यादा क्लीन नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन जो ट्रायंगुलर पिच होता है इसमें जो फ्लूड यूज करेंगे सेल साइड फ्लूड वो हमेशा क्लीन होना चाहिए। वो क्या होता है, क्लियर, जहाँ पे क्लियर फ्लूड हो वहाँ पे ट्रायंगुलर पिच का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट्स थे स्क्वायर पिच और ट्रायंगुलर पिच के बीच के डिफरेंस के, तो आप अच्छे से इसको आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका। तो अभी आप क्या समझे, ट्यूब समझ गए, सेल समझ गए, ट्यूब सीट समझ गए एंड पिच समझ गए, पिच और क्लियरेंस वगैरह समझ गए, ट्यूब पिच क्लियरेंस वगैरह समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इसका पार्ट है, वो क्या है, बैफल्स है। बैफल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि बैफल्स क्या होता है। अब देखिएगा ये जो हम रेड कलर से शो किए हुए हैं ये क्या है, बैफल्स लगे हुए हैं, बैफल्स लगे हुए हैं। अब ये बैफल्स लगाए क्यों जाते हैं, तो ये बैफल्स क्यों लगाए जाते हैं, तो ये जो बैफल्स होते हैं इनको इसलिए लगाया जाता है, इससे क्या होता है कि सेल साइड फ्लूड जो होता है, इन सेल साइड फ्लूड में टर्बुलेंस होता है और वेलोसिटी ड्रॉप होती है, ठीक है। एंड तीसरा चीज क्या होता है कि इन ट्यूब्स को क्या होता है, ये जो बैफल्स होते हैं इनको, इन ट्यूब्स को सपोर्ट देते हैं, ठीक है, इन ट्यूब्स को सपोर्ट का काम करते हैं बैफल्स, क्या काम करते हैं, इन ट्यूब्स के सपोर्ट का काम करते हैं, जिससे जैसे मान लीजिए इतनी लंबी ट्यूब है तो ये बैफल्स लगे रहेंगे तो क्या होगा, ट्यूब वाइब्रेट वगैरह नहीं करेगा, ठीक है। और क्या होता है, इस बैफल से क्या होता है कि ये बैफल्स क्या करते हैं, ये जो सेल साइड फ्लूड होंगे, जैसे मान लीजिए सेल साइड फ्लूड को इंटर किया सेल में, अब यहाँ पे इंटर करेगा, ऐसे इंटर करेगा, फिर यहाँ पे ऐसे मुड़ के जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे मुड़ के ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इससे हो क्या रहा है, सेल साइड जो फ्लूड है उसमें टर्बुलेंस हो रहा है, उसमें टर्बुलेंस हो रहा है,
उसमें क्या हो रहा है, टर्बुलेंस हो रहा है, जिससे जिग जैग मोशन बन रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जिग जैग मोशन में ये फ्लूड फ्लो होते हैं, यहाँ से फ्लूड आए, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। अगर ये बैफल्स नहीं लगाते हैं तो ये जो फ्लूड आप डाल रहे हैं, सेल साइड फ्लूड जो डाल रहे हैं, वो अगर इनलेट करेंगे ऊपर से क्या होगा, ये डायरेक्ट नीचे आएगा, ऐसे डायरेक्ट नीचे आएगा, तो इससे क्या होगा, ये सभी ट्यूब्स में अच्छे से कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक टाइप से आप बोल सकते हैं, बैफल्स लगाने से सेल साइड फ्लूड और ट्यूब साइड फ्लूड, जो ट्यूब में इंटर कर रहा है फ्लूड, ट्यूब में जो इंटर कर रहा है फ्लूड, इनके बीच में जो इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट हो रहा है ना, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो सेल साइड फ्लूड और ट्यूब साइड फ्लूड, इनके बीच में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि बीच में क्या हो रहा है, आपका ट्यूब्स आ रहा है, तो इनके बीच में इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर है, ठीक है, इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर यह है, ठीक है। तो बैफल्स लगाने से क्या होता है, सेल साइड एंड ट्यूब साइड फ्लूड के इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट टाइम जो होता है, कॉन्टैक्ट एरिया जो होती है, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिससे क्या होता है, इसमें हीट ट्रांसफ़र बढ़ती है। या दूसरा पॉइंट क्या है कि सेल्स बैफल्स लगाने से इस सेल साइड फ्लूड में क्या होता है, उनकी टर्बुलेंस इंक्रीज होता है, उनमें इस सेल साइड फ्लूड का क्या होगा, बैफल्स लगाने से टर्बुलेंस और वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ड्रॉप इंक्रीज होती है, जिससे हीट ट्रांसफर रेट भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये बैफल्स का काम होता है। अब ये जो बैफल्स होते हैं, ये बैफल्स कैसे होते हैं, तो पहले तो आपको बैफल्स के टाइप बता देते हैं, ये जो बैफल्स होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, जैसे आपका सेगमेंटल टाइप का होता है, रिंग टाइप होता है, ओरफिस टाइप होता है, ठीक है। तो लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो यूज होता है ना, वो सेगमेंटल बैफल यूज होता है, तो सेगमेंटल बैफल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेगमेंटल बैफल क्या होता है, अब ये जो सेगमेंटल बैफल होता है, बेसिकली एक मेटल की सीट होती है, मेटल के सीट का एक डिस्क होता है, जैसे एक मेटल की सीट होगी, उसका एक डिस्क होगा, गोल टाइप में ऐसे एक डिस्क होगा, ठीक है। और ये डिस्क क्या होता है, इसका एक सिरा कटा हुआ होता है, जैसे मान लीजिए इसका एक सिरा ऐसे कटा हुआ है, तो इसको हम काट के ऐसे निकाल दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे डिस्क होता है और उसका एक सिरा क्या होगा, कटा हुआ होगा, ठीक है, एक सिरा कटा हुआ होगा, उसमें बहुत सारे होल्स रहते हैं। अब इन होल्स में क्या रहता है, ये होल्स क्या है कि जिससे इस ट्यूब्स को पास किया जाता है, तभी तो इनको सपोर्ट मिलता है, इन ट्यूब्स को पास किया जाता है, ठीक है। तो अब एक चीज़ यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये जो सेगमेंटल बैफल होते हैं, इनकी जो हाइट है, ये जो हाइट है, यदि इस सेल की, यानी कि जो सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है, इनमें जो सेल है, सेल के इनसाइड डायमीटर यानी कि थिकनेस छोड़ के अंदर की जो है डायमीटर हो, अंदर के डायमीटर का यदि 75% है, इनकी जो हाइट क्या है, अंदर सेल के इनसाइड की, इनसाइड डायमीटर की अगर 75% इसकी अगर हाइट है, तो इस सेगमेंटल बैफल्स को क्या बोलते हैं, 25% कट सेगमेंटल बैफल, ठीक है। और ये जो 25% कट सेगमेंटल बैफल होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है, यानी कि ऑप्टिमम होता है। और ये क्या होता है, इस टाइप का बैफल्स यूज करने से हीट ट्रांसफ़र रेट इंक्रीज होती है विदाउट एक्सेस प्रेशर ड्रॉप, यानी कि बिना कोई एक्सेस प्रेशर ड्रॉप किए हुए इसकी जो हीट ट्रांसफ़र रेट जो होता है वो इंक्रीज होता है इस टाइप्स के बैफल्स का यूज करने से, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा सेगमेंटल बैफल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सेगमेंटल बैफल। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का पॉइंट ये है कि टायरॉयड क्या होता है, तो देख लेते हैं टायरॉयड क्या होता है। तो देखिएगा, टायरॉयड बेसिकली एक रॉड होता है, टायरॉयड जो होता है एक रॉड ही होता है, जिसका यूज इसलिए किया जाता है, जिससे कि ये जो बैफल्स लगाए हुए हैं ना, उनको सपोर्ट मिल सके। अब बैफल को लगाएं ट्यूब को सपोर्ट के लिए, अब बैफल्स के सपोर्ट के लिए क्या लगा देते हैं, ये टायरॉयड लगा देते हैं। क्या होता है, एक रॉड होता है, जिनको मतलब ऐसे एक ही नहीं होता है, वो ज़्यादा यूज होते हैं, 4 से 6 के बीच में ऐसे यूज होते हैं, तो ये टायरॉयड होते हैं, टायरॉयड का यूज किया जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, इस बैफल्स को सपोर्ट मिलता है, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर हम शो किए हैं, ये क्या है, टायरॉयड है, ठीक है, ये क्या है, टायरॉयड है। तो ये इसके मेन पार्ट्स थे, ये इतना क्लियर हो गया। अब 2-4 पार्ट और बचे हैं, उनको भी बता देता हूँ एक एक करके। अब देखिए, अब कौन कौन से पार्ट्स बचे हैं, आप देखिए, इधर देख लीजिए,
अब इधर क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ये चैनल होता है, यानी कि चैम्बर होता है, इसको चैनल बोला जाता है। और इसका जो आउटर सरफेस है इसको क्या बोलते हैं, चैनल कवर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बीच में आप ब्लैक कलर से देख रहे हैं, ये पार्टीशन जो है, इस पार्टीशन को पास पार्टीशन बोलते हैं। जैसे आप जानते होंगे सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में पासेस होते हैं, नंबर ऑफ पासेस। जैसे अगर पासेस के हिसाब से इसको अगर कैटेगराइज भी किया जाए तो दो टाइप्स के सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के? एक सिंगल पास हीट एक्सचेंजर, एक मल्टी पास हीट एक्सचेंजर। सिंगल पास में एक ही पास रहेगा, यहाँ पे आपको पार्टीशन नहीं लगा हुआ होगा, एक इधर से इनलेट करेगा, उधर से आउटलेट करेगा यूटिलिटी, ठीक है। ये क्या है, आपको दो पास मतलब टू पास सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। टू पास सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है, इसमें क्या है, दो पास है। पास का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई फ्लूड कितनी बार अपनी डायरेक्शन चेंज करा, जैसे मान लीजिए इस फ्लूड को मतलब इस ट्यूब साइड फ्लूड को क्या किया, हम नीचे से इनलेट कराए, नीचे से इनलेट कराए, अब यहाँ से गया, फिर इधर से निकल के फिर ये डायरेक्शन चेंज करके फिर इधर से आ रहा है, तो टू पास हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये पास पार्टीशन होता है, इसको हम पास पार्टीशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज़ और इसमें देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ट्यूब्स का, जैसे मान लीजिए ट्यूब साइड इनलेट है, ये ट्यूब साइड आउटलेट है, इनको क्या बोलते हैं, नोजल बोलते हैं। जैसे ट्यूब साइड इनलेट नोजल है, ये ट्यूब साइड आउटलेट नोजल है, ये भी नोजल है, सेल साइड इनलेट नोजल, ये सेल साइड आउटलेट नोजल है, ठीक है। तो इसके मेन पार्ट्स रहे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि जो ये जो सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर होता है ये कितने टाइप्स का होता है, ये कितने टाइप्स का होता है, तो देखिएगा ये बेसिकली फोर टाइप्स के होते हैं, ठीक है। बेसिकली फोर टाइप्स के, कौन कौन से टाइप्स? पहला फिक्स्ड ट्यूब सीट हीट एक्सचेंजर, पहला क्या होता है, फिक्स्ड ट्यूब सीट हीट एक्सचेंजर। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ना, ये फिक्स्ड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का ही फिगर है। ये जो इसमें जो ट्यूब्स होती हैं वो क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। इसमें जो ट्यूब्स होती हैं ये क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पर क्या है, फ्लोटिंग ट्यूब हीट एक्सचेंजर। दूसरा क्या है, फ्लोटिंग ट्यूब, आपको साइड में इसका इमेज दिख रहा होगा, ठीक है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी लिखी हुई होंगी, आप क्लियर कर लीजिए क्योंकि बताएंगे दो लंबा जाएगा, ठीक है। तो दूसरा एक नंबर पे क्या है, फ्लोटिंग ट्यूब, जिसमें ये जो ट्यूब्स क्या होते हैं, फ्लोट हो सकते हैं और इसमें जो थर्मल एक्सपेंशन वगैरह होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो फ्लोटिंग ट्यूब हीट एक्सचेंजर होता है। एंड थर्ड नंबर पर क्या होता है, यूट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। यूट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, जो ट्यूब्स होती हैं ना वो पीछे से क्या होती है, ट्यूब यू टाइप में मुड़ी रहती हैं, एक ही ज्वाइंट रहती है, इसे ज्वाइंट रहती है, ठीक है। तो वो यूट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर होती हैं, ठीक है। एंड फोर्थ टाइप में आपका आता है रिबॉयलर या केटल टाइप हीट एक्सचेंजर। रिबॉयलर या केटल टाइप, रिबॉयलर या केटल टाइप्स का कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे इसमें ट्यूब्स ऐसे ही रहेंगे लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन ऐसे कुछ बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो वेपर्स होंगे वो यहाँ पे इकट्ठा होते हैं ऐसे, ठीक है। तो वो रिबॉयलर केटल टाइप हीट एक्सचेंजर होता है, ठीक है। लेकिन वो सभी के सभी किस में आते हैं, जो आपको हीट एक्सचेंजर बता रहे हैं, फिक्स्ड ट्यूब या फ्लोटिंग ट्यूब या यूट्यूब या रिबॉयलर या केटल टाइप, ये सारे के सारे सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के ही टाइप्स हैं, इनके कंस्ट्रक्शन के बेस पे ये टाइप्स हैं। और दूसरा चीज़, आपको एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इनमें से चाहे किसी भी टाइप्स का हीट एक्सचेंजर हो, यदि वो सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का पार्ट है, यानी कि सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का टाइप्स है, ठीक है। इनमें छोटे छोटे, इनको भी अगर डिवाइड करेंगे, फ्लोटिंग टाइप को तो भी ये डिवाइड होगा और यूट्यूब भी थोड़ा डिवाइड होगा, यूट्यूब में रिबॉयलर भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो अलग एक आध टाइप और बन जाएंगे, लेकिन मेन टाइप यही चार होते हैं। अब ये यही चार टाइप हों या आप केवल सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर की बात करें, उनमें जो पार्ट्स होते हैं ना, ये जो जितने पार्ट्स बताए हैं, फिर से आपको बता दे रहे हैं, स्क्रीन पे लिखा होगा सारे पार्ट्स, ये यही इतना पार्ट होते हैं, मेन पार्ट यही होते हैं, इनसे कुछ अलग नहीं हो सकता है, चाहे फिक्स्ड ट्यूब सीट हो या फ्लोटिंग ट्यूब हो या यूट्यूब हो या रिबॉयलर हो, पार्ट्स तो इसके यही रहेंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।